लीनियर मोमेंटम। लीनियर वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और हम यहां पर बॉडीज को स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी, और सिंबल क्या है, पी। तो पी इज इक्वल टू एम वी, और क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर तो पी इज ऑल्सो अ वेक्टर, तो पी वेक्टर क्या बनेगा, एम इंटू वी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, जितनी ज्यादा एक बॉडी के पास मोशन होगी उतना ही मोमेंटम ज्यादा है, और मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है यहां तक। एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं इंपल्स, शायद आपने सुना हो। इंपल्स है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स को इंपल्स बोलते हैं, कितना इंपैक्ट है फोर्स का उसको इंपल्स बोलते हैं। अब इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या है, अगर मैं कहूं एक हाथ पे मैंने फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाई ना, फोर्स लगाई 10 सेकंड के लिए लगाई, अब मेरा हाथ दबता जा रहा है, इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, 3 सेकंड के लिए लगाई, इंपैक्ट चेंज हो रहा है। तो इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स नहीं है, फोर्स इंटू टाइम है। तो कितनी फोर्स लगी, कितने समय के लिए लगी, उनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इंपल्स। अब क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, इंपल्स इज अगेन अ वेक्टर। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इंपल्स की होगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक।